कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान, तो निगाह उनका कहीं और है, निशाना कहीं और लगा रहे हैं। तो कितना सदस्य बनाए पार्टी को मजबूत करने के लिए? वो कौन से लोग हैं जो वहां पहुंचेंगे नजर बचाकर, और वो कौन से लोग हैं जिन पर जदयू नजर रखी हुई है? दिल्ली में बार बार उपेंद्र कुशवाहा क्यों जा रहे थे और वो किससे मुलाकात कर रहे थे, ये हमें सब पता चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक लगातार चल रही है और उस बैठक में वो सारे लोग पहुंच रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा से इत्तेफाक रखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा से जुड़े रहे या फिर जदयू में थे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के प्रति ईमानदारी थी। ऐसे भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं जिन्हें लगता है कि वो उच्च पदों पर जदयू में जरूर हैं लेकिन नीतीश कुमार से उनकी जो डायरेक्ट लिंक है उसे किसी ने काट दिया है। नाराज लोग जदयू के, वो लोग जो संगठन में कहीं पीछे बैठे हुए हैं, उन्हें जिन्हें संगठन ने छुट्टी कर दी है, जो ललन सिंह को पसंद नहीं करते हैं, जो नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से नाराज हैं, ये सब लोग उपेंद्र कुशवाहा की बारात में मौजूद हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम के दौरान सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि वो कौन से लोग हैं जो जदयू वाले पहुंचेंगे छुप छुपा कर, वो कौन से लोग हैं जो वहां पहुंचेंगे नजर बचाकर, और वो कौन से लोग हैं जिन पर जदयू नजर रखी हुई है। तो ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के इस बैठक में छापा मार दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्या उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं, किससे और कौन कौन उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, यह सब हमें पता चल गया है। दिल्ली में बार बार उपेंद्र कुशवाहा क्यों जा रहे थे और वो किससे मुलाकात कर रहे थे, ये हमें सब पता चल रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नजर कहीं है और इशारा कहीं और है। सीधे तौर पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा के संपर्क में होने की बात पर मुहर लगा दी और साथ साथ ये भी कह दिया कि जब बिहार के पूरे कार्यकर्ता घूम घूम कर पार्टी को मजबूत कर रहे थे, अपने पर्व त्योहार को, निजी कार्यक्रमों को, नए साल को छोड़ छोड़ कर कार्यक्रम लगातार पार्टी को मजबूत करने की कर रहे थे, तब ये दिल्ली बैठे हुए थे और इनको कहीं ना कहीं पार्टी में जो पद मिला उसको इन्होंने दागदार किया और इसकी वजह से हम इनको लगातार मॉनिटर कर रहे थे और दिल्ली में इनकी मुलाकात जिन नेताओं से हुई है हमें खूब पता है। अब जो ये बार बार सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि हमने राजद से कौन सी साठगांठ की है, तो हमारा तो गठबंधन है और सभी को पता था कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, भाजपा ने हमारे साथ जो किया उसके बाद क्या कोई रास्ता बच जा रहा था? लेकिन फिर भी ये खुद भाजपा के विरोधी थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि हम महागठबंधन हमने बनाया अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे किसी के साथ मिलकर, इन्होंने पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की और जिस वक्त इन्हें पार्टी को मजबूत करना चाहिए था उस वक्त ये दिल्ली बैठकर दिल्ली के नेताओं के संपर्क में थे। खुद सुन लीजिए कैसे छापा मारते हुए उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम पर ललन सिंह ने सारे पोल खोल दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार सरकार और सीएम पे बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, पार्टी में आए उनको पूरी सम्मान मिले। अब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो निगाह उनका कहीं और है, निशाना कहीं और लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है। अरे भाई, पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में लगे हुए थे, पर्व त्योहार का मौसम था, दशहरा, दिवाली, छठ, उसी सदस्यता अभियान में था। पार्टी के बिहार भर के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 72 लाख कार्यकर्ता बनाया, जो रिकॉर्ड है। अब वो कह रहे हैं पार्टी कमजोर है, तो उनको ये भी तो बताना चाहिए कि जब पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था तो कितना सदस्य बनाए पार्टी को मजबूत करने के लिए? तो सदस्य तो बनाए नहीं पार्टी के। सब पूछे बिहार के कार्यकर्ता जब मजबूत करने में पार्टी को लगे थे तो उस समय वो कहीं दिल्ली उल्ली में थे। और असल बात उनको ये बताना चाहिए कि दिल्ली का जो बार बार यात्रा कर रहे हैं वो, उसमें कुछ बात उनका बना कि नहीं बना, ये बात उनको बताना चाहिए। अब ये बात उनको बताना चाहिए जो हमको कहना था। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो अलग बात है। अब कोई आधिकारिक बैठक नहीं है, जदयू की आधिकारिक बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ प्रदेश के अध्यक्ष को है।
अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।